गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 117। आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन बर्ड्स। ओके, इससे पीछे हमने पढ़ा था लोकोमोशन इन कॉकरोच, और आज हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन इन बर्ड। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स चल रहा है भाई। लोकोमोशन इन बर्ड्स का मतलब है कि बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में, और अपना घर ढूंढने के लिए या फिर अपने एनिमी शत्रु से बचने के लिए। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब यहाँ पे। ए बर्ड शोज मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स लाइक फ्लाइंग, वॉकिंग, हुपिंग एटसेट्रा। देखो, आपने देखा होगा, ए बर्ड, एक पक्षी जो है वो शो करता है मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कई तरह के मूवमेंट, मतलब कई तरह की गतियाँ शो करता है, जैसे कि फ्लाइंग उड़ता है, वॉकिंग चलने का काम करता है, हुपिंग माने उछलना एटसेट्रा, इस तरीके के काम करता है। इट्स फोर लिम्स हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स। इसके फोर लिम मतलब जो आगे के जो पाँव हैं, हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, वो मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म विंग्स, उनसे क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। विंग्स क्या होता है बच्चों, पंख। ठीक है, और कहते हैं द फिट हैव क्लाज, इसके जो पाँव होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लाउज, क्लाउज माने क्या होते हैं, पंजे होते हैं, विच हेल्प दैम टू पर्क ऑन ट्रीज, जिसकी वजह से वो ट्रीज, पेड़ों की, पर्क माने टहनियों पर, शाखाओं पर बैठ पाते हैं। ओके, मतलब उनके पाँव में क्या होते हैं, पंजे होते हैं, पंजों की वजह से वो पकड़ बना पाते हैं पेड़ों की, जो टहनी वगैरह पे आपने देखा होगा बैठे होते हैं पक्षी। द बॉडी इज वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, उनकी जो बॉडी है, उनका शरीर है, वो वेल सुटेड माने बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से बना हुआ होता है फॉर फ्लाइंग, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग माने उड़ पाते हैं। ठीक है, इट्स बोन्स आर होलो एंड लाइट, इसकी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स मीन्स क्या होता है, हड्डियाँ, होलो माने खोखली होती हैं, एंड लाइट माने हल्की होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो हड्डियाँ, इसकी किसकी मतलब बर्ड्स की, पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों, वो होलो माने खोखली होती हैं, और कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। इट्स शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके जो कंधे की हड्डियाँ होती हैं, इट्स शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, चेस्ट बोन्स आर जॉइंट टू स्ट्रॉन्ग मसल्स, इसकी जो चेस्ट माने जो छाती की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, आर जॉइंट टू स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर यानी कि मजबूत मसल्स, मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। कौन सी, जो छाती की जो हड्डियाँ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स माने छाती की मजबूत हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत मसल्स मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। एज दे आर यूज फॉर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, क्योंकि वो किस लिए काम आते हैं, फॉर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, क्योंकि वो पंखों को फड़फड़ाने के लिए काम आती है। आपने देखा होगा पक्षियों को पंख फड़फड़ाते हुए। फिर है बच्चों, देखो, लंग्स हैव एयर सैक्स, उनके जो लंग्स होते हैं फेफड़े, उनमें एयर सैक्स मतलब हवा अंदर जाने के लिए जगह होती है। एंड बॉडी इज कवर्ड विद फैदर, और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो फैदर्स माने पंखों से ढका होता है। समझ आया क्या कहा इसने, लंग्स हैव एयर सैक्स, इनके जो लंग्स है उसमें क्या होते हैं, एयर सैक्स माने हवा जाने के लिए होल होता है। एंड द बॉडी इज कवर्ड विद फैदर, और उनका जो शरीर है वो फैदर माने पंखों से घिरा होता है, ढका होता है। द टेल ऑल्सो हैज फैदर, इनकी जो टेल है, पूंछ, उस पर भी क्या होता है, फैदर माने पंख होते हैं, देखो ये वाले, ठीक है, ये शो कर रखा है यहाँ पे। एंड एक्ट एज ए ब्रेक, और वो ब्रेक की तरह काम करते हैं, ब्रेक मीन समझते हो, रोकने का काम करते हैं, जैसे आप पक्षी उड़ रहे हैं उसको रोकना है, मतलब वो अपने आप रुकना चाह रहे हैं, मान लो वो स्टॉप होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक मतलब उसका जो, उसके लिए जो ब्रेक है, जैसे हम व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं, है ना, तो ऐसे ही इसमें जो ब्रेक है पक्षी के लिए, जो ब्रेक का काम करता है वो कौन है, फैदर, और कहाँ होते हैं वो वाले फैदर, जो उसकी पूंछ, टेल पे जो फैदर है ना, ये इसके ब्रेक का काम करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन, और यही इसकी हेल्प करते हैं, इसकी मदद करते हैं इन चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा बदलने में, जैसे वो पूर्व की तरफ मान लो नॉर्थ साइड में उड़ रहा है और उसको अभी जाना है किधर, साउथ में, तो कैसे चेंज करेगा, विद द हेल्प ऑफ फैदर प्रेजेंट ऑन देयर टेल, जो इसकी टेल पे जो फैदर प्रेजेंट है उनकी हेल्प से। ओके, तो देखो बच्चों, फिर कहता है द शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स इज सच दैट इट कैन कट थ्रू एयर इजीली, शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स माने पक्षी के जो शरीर की जो शेप है, आकृति है शरीर की, वो कुछ ऐसे है जिसकी वजह से इट कैन कट थ्रू एयर इजीली, हवा को इजीली काट के, हवा को पीछे कर करके आज इस इजीली मतलब आसानी से उड़ सकता है। ओके, और कहता है ऑब्जर्व द वेरियस पोजीशन ऑफ विंग्स ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, आप एक उड़ते हुए पक्षी की अलग अलग पोजीशंस देखो भाई, उसके पंखों की अलग अलग पोजीशन देखो, देखो यहाँ देखो जैसे उड़ रहे हैं, तो ये देखो पीछे वाले विंग्स बिल्कुल स्ट्रेट है और ये इसने ऊपर उठा रखे हैं वे फैदर, है ना, पंख। फिर ये देखो ये उड़ रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ उठ गया, अब ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये उड़ने लग गया, तब फिर ये जैसे ही मतलब स्टॉप होने की कोशिश करेगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपको शो कर रखा है। तो कहता है इज द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इंस्पायर्ड बाई ए फ्लाइंग बर्ड, क्या जो एरोप्लेन की शेप है, एरोप्लेन देखिए आप सबने हवाई जहाज, तो कहता है हवाई जहाज की जो शेप बनाई गई, आकृति बनाई गई, क्या वो एक पक्षी को देख के ही बनाई गई है कि एक पक्षी कैसे उड़ता है वैसे एरोप्लेन उड़ेगी, तो यस ये बिल्कुल सही बात है कि जो एरोप्लेन होती है वो भी बिल्कुल ऐसी होती है, आपने देखा होगा एरोप्लेन ऐसी होती है, आगे से बिल्कुल नुकीली, पीछे से भी ऐसी ही होती है ना, और साइड में दो वो लगे होते हैं पंख उड़ने के लिए, मतलब पंख टाइप जो बना रखी होती है शेप। तो बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ लोकोमोशन बर्ड्स में हमने देखा कि जो पक्षी हैं
वो अलग अलग गतिविधियां करने के लिए उनके पास विंग्स होते हैं और क्लाउज, उनके फिट पे क्या होते हैं क्लाउज माने पंजे, और पंजों की हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, पंजों की हेल्प से बच्चों वो क्या कर पाते हैं भाई, पंजों की हेल्प से वो टहनियों पे बैठ पाते हैं, ठीक है। और उनका जो शोल्डर की बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो अपने विंग्स को फड़फड़ा पाते हैं। फ्लैपिंग मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, फड़फड़ा पाते हैं, ओके। और उनके लंग्स में क्या होते हैं एयर सैक्स, जिनकी वजह से हवा जाती है, उनकी पूरी बॉडी फेदर्स से कवर होती है, पंखों से। उनके टेल पे जो पंख होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं, उनके ब्रेक की तरह काम करते हैं, रुकने में हेल्प करते हैं उनकी, और डायरेक्शन चेंज करने में मतलब दिशा बदलने में हेल्प करते हैं, ओके। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है बच्चों, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 117, आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन बर्ड्स, ओके। इससे पीछे हमने पढ़ा था लोकोमोशन इन कॉकरोच, आज हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन इन बर्ड, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स चल रहा है भाई। लोकोमोशन इन बर्ड्स का मतलब है कि बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में, और अपना घर ढूंढने के लिए, या फिर अपने एनिमीज शत्रु से बचने के लिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अब यहाँ पे। ए बर्ड शोज मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स लाइक फ्लाइंग, वॉकिंग, हुपिंग एटसेट्रा। देखो आपने देखा होगा, ए बर्ड एक पक्षी जो है वो शो करता है मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कई तरह की मूवमेंट मतलब कई तरह की गतियाँ शो करता है, जैसे कि फ्लाइंग उड़ता है, वॉकिंग चलने का काम करता है, हुपिंग माने उछलना एटसेट्रा, इस तरीके के काम करता है। इट्स फोर लिम्स हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, इसके फोर लिम मतलब जो आगे के जो पाँव हैं, हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, वो मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म विंग्स, उनसे क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। विंग्स क्या होता है बच्चों, पंख, ठीक है। और कहते हैं द फिट हैव क्लाउज, इसके जो पाँव होते हैं उनमें क्या होते हैं क्लाउज, क्लाउज माने क्या होते हैं पंजे, पंजे होते हैं, विच हेल्प दैम टू पर्क ऑन ट्रीज, जिसकी वजह से वो ट्रीज पेड़ों की पर्क माने टहनियों पर शाखाओं पर बैठ पाते हैं, ओके। मतलब उनके पाँव में क्या होते हैं पंजे होते हैं, पंजों की वजह से वो पकड़ बना पाते हैं पेड़ों की जो टहनी वगैरह पे, आपने देखा होगा बैठे होते हैं पक्षी। द बॉडी इज वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, उनकी जो बॉडी है उनका शरीर है वो वेल सुटेड माने बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना हुआ होता है फॉर फ्लाइंग, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग माने उड़ पाते हैं, ठीक है। इट्स बोन्स आर होलो एंड लाइट, इसकी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स मीन्स क्या होता है हड्डियाँ, होलो माने खोखली होती हैं, एंड लाइट माने हल्की होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो हड्डियाँ, इसकी किसकी मतलब बर्ड्स की, पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों वो होलो माने खोखली होती हैं, और कैसी होती हैं हल्की होती हैं। इट्स शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके जो कंधे की हड्डियाँ होती हैं, इट्स शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। चेस्ट बोन्स आर जॉइंट टू स्ट्रॉन्ग मसल्स, इसकी जो चेस्ट माने जो छाती की जो बोन्स हैं हड्डियाँ, आर जॉइंट टू स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर यानी कि मजबूत मसल्स मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। कौन सी, जो छाती की जो हड्डियाँ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स माने छाती की मजबूत हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत मसल्स मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। एज दे आर यूज फॉर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, क्योंकि वो किस लिए काम आते हैं, फॉर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, क्योंकि वो पंखों को फड़फड़ाने के लिए काम आती है। आपने देखा होगा पक्षियों को पंख फड़फड़ाते हुए। फिर है बच्चों देखो, लंग्स हैव एयर सैक्स, उनके जो लंग्स होते हैं फेफड़े, उनमें एयर सैक्स मतलब हवा, हवा अंदर जाने के लिए जगह होती है। एंड बॉडी इज कवर्ड विद फेदर, और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो फेदर्स माने पंखों से ढका होता है। समझ आया क्या कहा इसने, लंग्स हैव एयर सैक्स, इनके जो लंग्स है उसमें क्या होते हैं एयर सैक्स माने हवा जाने के लिए होल होता है। एंड द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर, और उनका जो शरीर है वो फेदर माने पंख, पंखों से घिरा होता है, ढका होता है। द टेल ऑल्सो हैज फेदर, इनकी जो टेल है पूंछ, उस पे भी क्या होता है फेदर माने पंख होते हैं, देखो ये वाले, ठीक है, ये शो कर रखा है यहाँ पे। एंड एक्ट एज ए ब्रेक, और वो ब्रेक की तरह काम करते हैं, ब्रेक मीन समझते हो रोकने का काम करते हैं, जैसे आप पक्षी उड़ रहा है उसको रोकना है, मतलब वो अपने आप रुकना चाह रहे हैं, मान लो वो स्टॉप होना चाहता है, तो वो क्या करेगा ब्रेक, मतलब उसका जो उसके लिए जो ब्रेक है, जैसे हम व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं, है ना, तो ऐसे ही इसमें जो ब्रेक है पक्षी के लिए जो ब्रेक का काम करता है वो कौन है फेदर, और कहाँ होते हैं वो वाले फेदर, जो उसकी पूंछ टेल पे जो फेदर है ना, ये इसके ब्रेक का काम करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन, और यही इसकी हेल्प करते हैं, इसकी मदद करते हैं इन चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा बदलने में, जैसे वो पूर्व की तरफ मान लो नॉर्थ साइड में उड़ रहा है और उसको अभी जाना है किधर साउथ में, तो कैसे चेंज करेगा विद द हेल्प ऑफ फेदर प्रेजेंट ऑन देयर टेल, जो इसकी टेल पे जो फेदर प्रेजेंट है उनकी हेल्प से, ओके। तो देखो बच्चों फिर कहता है द शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स इज सच दैट इट कैन कट थ्रू एयर इजीली, शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स माने पक्षी के जो शरीर की जो शेप है आकृति है शरीर की, वो कुछ ऐसे है जिसकी वजह से इट कैन कट थ्रू एयर इजीली, हवा को इजीली काट के, हवा को पीछे कर करके इजीली मतलब आसानी से उड़ सकता है, ओके। और कहता है ऑब्जर्व द वेरियस पोजिशन ऑफ विंग्स ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, आप एक उड़ते हुए पक्षी की अलग अलग पोजिशंस देखो भाई, उसके पंखों की अलग अलग पोजिशन देखो, देखो यहाँ देखो जैसे उड़ रहा है, तो ये देखो पीछे वाले विंग्स बिल्कुल स्ट्रेट है और ये इसने ऊपर उठा रखे हैं वे फैदर, है ना पंख, फिर ये देखो ये उड़ रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ उठ गया, अब ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये उड़ने लग गया, तब फिर ये जैसे ही मतलब स्ट्रोक होने की कोशिश करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो आपको शो कर रखा है। तो कहता है इज द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इंस्पायर्ड बाय ए फ्लाइंग बर्ड, क्या जो एरोप्लेन की शेप है, एरोप्लेन देखिए आप सबने हवाई जहाज, तो कहता है हवाई जहाज की जो शेप बनाई गई, आकृति बनाई गई, क्या वो एक पक्षी को देख के ही बनाई गई है कि एक पक्षी कैसे उड़ता है वैसे एरोप्लेन उड़ेगी। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है कि जो एरोप्लेन होती है वो भी बिल्कुल ऐसी होती है। आपने देखा होगा एरोप्लेन ऐसी होती है, आगे से बिल्कुल नुकीली, पीछे से भी ऐसे ही होती है ना, और साइड में दो वो लगे होते हैं पंख उड़ने के लिए, मतलब पंख टाइप जो बना रखी होती है शेप। तो बच्चों आपने क्या देखा यहाँ, लोकोमोशन बर्ड्स में हमने देखा कि जो पक्षी हैं वो अलग अलग गतिविधियां करने के लिए उनके पास विंग्स होते हैं और क्लाउज, उनके फिट पे क्या होते हैं क्लाउज माने पंजे, और पंजों की हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, पंजों की हेल्प से बच्चों वो क्या कर पाते हैं भाई, पंजों की हेल्प से वो टहनियों पे बैठ पाते हैं, ठीक है। और उनका जो शोल्डर की बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो अपने विंग्स को फड़फड़ा पाते हैं। फ्लैपिंग मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, फड़फड़ा पाते हैं, ओके। और उनके लंग्स में क्या होते हैं एयर सैक्स जिनकी वजह से हवा जाती है, उनकी पूरी बॉडी फेदर्स से कवर होती है पंखों से, उनकी टेल पे जो पंख होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं, उनके ब्रेक की तरह काम करते हैं, रुकने में हेल्प करते हैं उनकी, और डायरेक्शन चेंज करने में मतलब दिशा बदलने में हेल्प करते हैं, ओके। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है बच्चों, ओके।